हिट एंड रन कानून के खिलाफ हो रहे हड़ताल के बाद जिले में पैनिक स्थिति निर्माण हो चुकी है, जिसके चलते जिलाधिकारी विपिन इटनकर की अध्यक्षता में सभा का आयोजन किया गया, जहां सभी पेट्रोल प्रदाताओं ने जिलाधिकारी से विचार विमर्श किया, जहां पेट्रोल पंप को पूरी सुरक्षा देने का निर्णय भी लिया गया। दरअसल देश के साथ ही जिले की स्थिति भी पैनिक होती जा रही है। कल रात से नागपुर के तमाम पेट्रोल पंपों पर लोगों की लंबी लंबी कतार लगी हुई दिखाई दे रही है। लोग एक दूसरे को देखकर या कहीं पेट्रोल पंप में भीड़ को देखकर पेट्रोल भरने लगे हैं। देखते ही देखते यह पूरी खबर शहर में फैल गई और नागपुर शहर के लगभग हर पेट्रोल पंप पर सड़क के बाहर तक लंबी लंबी कतारें दिखाई दे रही है। हर कोई अगले 4-5 दिनों का डीजल पेट्रोल स्टॉक अपनी गाड़ी में स्टॉक करना चाह रहा है, जिसके बीच स्थिति में तनाव निर्माण होने की संभावना तेज होती दिखाई दे रही है, जिसके संज्ञान पर जिलाधिकारी विपिन इटनकर की अध्यक्षता में सभा का आयोजन किया गया, जहां सभी पेट्रोल प्रदाताओं ने जिलाधिकारी से विचार विमर्श किया, जहां पेट्रोल पंप को सुरक्षा देने की बात कही गई और निर्णय लिया गया। इस समय जिलाधिकारी ने जनता से किसी भी अफवाह का बलि न पड़ने की बात कही तो विश्वास दिलाया कि जिले के लिए आवश्यक ईंधन स्टॉक रखा गया है, जिसके बाद से नागपुर में पेट्रोल पंप के बाहर पुलिस सुरक्षा तैनात कर दी गई है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहड़ के साथ मनीष डेमरी की रिपोर्ट।